जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत अज दे प्रोग्राम दे विच। मोर्चे विच पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर, इत्थे रैन बसेरा बनिया होया है ते तुहानू पूरा माहौल दिखा रहे हैं कि किस तरह इत्थे लोकी एक नवा किस्म दा पिंड ही उन्होंने बना लिया है, किस तरह वो इत्थे रह रहे हैं, की कुछ सहूलतां उन्होंने कोल हैगियां। ते जिद्दां मैं इत्थे इस मोर्चे दी वख-वख चीज़ां नूं खुद एक्सपीरियंस कर रही हाँ, उस तरह मेरी कोशिश है कि तुसीं भी उन्होंने एक्सपीरियंस करो। खास करके ये ट्रैक्टरां दा मोर्चा है, ये ट्रैक्टरां दा मुद्दा है ते ट्रैक्टर ते चढ़ के मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हाँ। तुहाडे नाल गल करांगे, साडे नाल बहुत ही वधिया गैसट मौजूद हैं, पूरा इत्थे काफला मौजूद हैगा, सारे नाल गल करदे हाँ। ते मेरे नाल हुण मौजूद हैं अंकल जी। अंकल जी तुसीं तो अपना नाम दस्सियो ते कित्थों आए हो? मेरा नाम गुरनाम सिंह है, मेरा पिंड घणीवाला जिला फरीदकोट है। आई बिलोंग टू मतलब है किसान जथेबंदी सिद्धूपुर, दिस इज द ऑल द जथेबंदियां सारिया, मतलब 31 जथेबंदियां दा साडा एक सांझा संघर्ष है। जिहड़े तीन कॉले कानून लियांदे आ मोदी ने, ज़्यादा तो ज़्यादा सब तो ज़्यादा जिहड़ा भैड़ा कानून है जमाखोरी का, दैट जिहड़ा 1955 दे विच बनवाया गया सी कानून भी कोई बंदा एक किसी हद तो वध चीज़ जमा नहीं कर सकता। हुण इहने देश दा अन्न एक मतलब उहदे तो जमाखोरी का बंद कर दिता है, जिहड़ा कि आम गरीब मजदूर सब लई मतलब होएगा। दूजा ये काम कर दिता जिहड़े बड़े बड़े तनाड है वह मतलब टेक्नोलॉजी नाल जो मतलब एलीवेटर नाल काम करनगे, जिहदे नाल साडे जिहड़े मजदूर है एक मतलब मजदूर मतलब है वेले हो जाएंगे। एक मशीन जे 1000 बंदे का काम करती है तो साडा 1000 मजदूर वेला हो जाएगा। जो मतलब जो कि साडा मतलब मोर पापूलेटड कंट्री है जिथे मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी मशीनरी की लोड़ नहीं, ज़्यादा मैन पावर की लोड़ है, मैन पावर नूं यूटिलाइज करना उन्होंने मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी ता कि उन्हों का चुल्हा चल सके और छोटे छोटे बच्चे पाल सकन, इन्हों उन्होंने नित की मजदूरी चाहिए है। एक मतलब हैगा जिहड़ा ये ऑर्डिनेंस हैगे आ तिन्ने, ये मतलब कारपोरेट घराणियां दे जा रहे हक च, ये मतलब आम आवाम से बहुत भैड़ा असर पाउण। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा, पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर, इत्थे रैन बसेरा दा एक बिल्डिंग दे विच इस तुसीं कह लो इंतजाम किया गया। साडी बीबियां मातावां तियां इत्थे हैगियां, ते बीबी जी सब तो पहले तो तुसीं कित्थों आए हो, तुहाडे काफले च किन्नी क जानियां हैगियां? असीं पुत अमेरिका तों आए हां। अच्छा जी, मैं भी अमेरिका तो आई हां। तू भी अमेरिका दे सावा से तू वाली गुड बोल। बीबी जी किन्ने जाने ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੀ 45-50 ਜਾਣੇ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀ? ਅਸੀਂ 45 ਜਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਟ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਧੜਨਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਬਲ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਲਫਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ
ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਮੀਆਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਾਓ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਬਿਹਤਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਦਿਖੱਫਣ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਨੂੰ ਵੇ ਉਤਰ ਪੁੱਤ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੜਦੇ ਮੋਦੀਆ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਸਾਂ ਵੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੜਦਾ ਮੋਦੀਆ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਸਾਂ ਵੇ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀਆ ਪਾਈ ਜੂ ਨੇਰ ਗਵਾਰ ਵੇ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀਆ ਪਾਈ ਜੂ ਨੇਰ ਗਵਾਰ ਵੇ ਔਤਨ ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਵੇ ਮੋਦੀਆ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇ ਔਤਨ ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਵੇ ਮੋਦੀਆ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰ ਧਰ ਰੱਸੀਆਂ ਮਿੰਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥਾਂ ਵੇ ਧਰ ਧਰ ਰੱਸੀਆਂ ਮਿੰਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਰੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਰੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਸਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਣਾ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਸੁੱਤੇ ਫੱਟ ਜਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਵੀਰੇ ਫੱਟ ਜਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀਰ ਜਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀਰ ਜਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
निकल जाए पर साडे बच्चों का भविष्य बिल्कुल काला दिख रहा। सो उस तो बाद जिदा जो समझ आई तो मैं प्रॉपरली जिहड़ा हैगा फुल टाइम इस संघर्ष के नाल जुड़ गया, पिंड पिंड जाके मीटिंगां कीतियां। मान लो कोई यह दौर हुंदा सी, समा हुंदा सी वी 10 बंदे बैठे ने असीं जा रहे हैं उन्हां नूं कानूनां बारे समझा रहे हैं, लोग हसदे भी सी लिटरली। मैं ना मेरे नाल दो वारी घटनावां ऐसियां होईयां कि लोग हसदे भी सी मैनू, मन के चलो भी ये लोग नहीं तुरते हैगे तुसीं कामले होए हो बुरे, पर ना मन नूं तसली सी कि ना पता नहीं जिवें आपां कह दईए परमात्मा वल्लों ही कि यार नहीं लोग तुरनगे। सो वो एक होप लैके लगे रहे ते अज उस चीज़ का एक मालक की जो वाहिगुरू की कृपा सारियां नूं दिखे रही है कि कितना साथ दिता परमात्मा ने साडा जी। हरिंदर सिंह जी जो गल आती है हुण 1.5 महीना 2 महीने होने आए है इस मोर्चे को लैके, तो हले भी सरकार ते किसान आगुआ दे विच बैठक ते बैठक हो रही है। सानू हुण ये भी सुनने को मिल रहा है कि देखो जी आप 2024 तक वेट करने तैयार हैं, लंबे समय लिए चीज़ चलती है, किस तरह डिवेलप हो सकती है तुहाडे ख्याल? देखो जी 2024 तक तो कोई बाली बड़ी गल नहीं हैगी, ये जे कानून मन के चलो सरकार 10 साल नहीं रद्द करती ना तो असी 10 साल बैठने भी तैयार है, कोई मन के चलो समय वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं हैगी, क्योंकि गल की है साड़ी लास्ट लड़ाई है। जे अज असी ये लड़ाई जित गए फिर तो कह देंगे भी असी अपना तो साढ़े बच्चों का जिहड़ा भविख बचा जाएंगे, पर जेकर अज ये लड़ाई असी किसी भी कारण करके साड़ी कमी करके किसी होर की कमी करके असी कितने साडे च कोई कमी रहेगी जां असी ना अचीवमेंट अचीव कर सके साडे गोल नूं तां बहुत ज़्यादा जिदा आप कह दिए काला भविख दिख रहा, क्योंकि सरकार ना ये जिहड़ी सरकार है बहुत ज़्यादा बेईमान सरकार है, मैं इहदे लई शब्द वरतूंगा बेईमान। इन्हां दा ना जिहड़ा सिस्टम है क्योंकि कारपोरेट्स दे अंडर चल रही है सरकार आपां नूं दिखे रहा है ना, सो ये कानून ने जिहड़े कल्ला ये ना सोचो भी ये 3 कानून ने, नहीं ये 3 कानून जे नहीं रद्द होंदे तां बहुत आप कह दिए इन्हां दीआं जो प्लानिंग्स ने सरकार दीआं वड्डे लैवल ते ने जिहड़ियां कि इंसानियत दा घाण कर देणगीआं। हरिंदर जी तुहानूं नहीं लगदा कि सरकार नूं वेखना चाहीदा कि इन्हां दा वोट बैंक इत्थे इन्नी वड्डी गिनती विच जमा होया, ना कि सिर्फ पंजाब हरियाणा तो वख-वख होर स्टेटां तो जिन्हां ने वोट पा के इन्हां नूं सरकार बनाया है उन्हां दी इन्हां नूं थोड़ी बहुती नहीं तुहानूं लगदा चिंता होनी चाहीदी कि देखो जी सानूं वोट्स नहीं पाणगे अगर आपां इहो जी चीज़ दा नहीं कोई ख्याल नहीं रख्या? एक्चुअली जी जिहड़ी बीजेपी गौरमेंट है वो किस मतलब रस्ते ते चल रही है कि उन्हें अपने जो उन्हें फंडिंग करते हैं अपने डोनर्स का वध ध्यान रख रही है, जनता का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ना बीजेपी यह है भी असी पैसे दे जोर से असी कोई EVM च खराबी करके असी कोई भी गड़बड़ करके जिहड़ी हैगी सरकार बना जाएंगे। उन्हां दा फोकस है जिहड़ा वह मन के चलो कारपोरेट्स की जिहड़ी सपोर्ट है वह नहीं छड़नी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपन दिखता ही है देखो फंडिंग होंगी है बीजेपी गौरमेंट जो पहला 2014 के सरकार आई है तो टोटली जिन्या रैलियां हुई जिन्ना मतलब तामझाम होया सारा कारपोरेट्स आप सीधा गल करिए दो घराने वालों स्पोंसर से अडानी तो अंबानी हैलीकॉप्टर अडानी का यूज़ किए गए ने, उदो बाद ना यह भी बड़ी एक मन के चलो मोदी एक पला मोदी देश का प्रधानमंत्री ना मनो ये प्लांट किया वा बंदा कारपोरेट्स से RSS तो प्लांट किदा किया गया ये की सी कारपोरेट्स ना ना जे आप देखिए पहला जी इंडस्ट्री है गुजरात के उत्थे जिदा हैगा सी सिस्टम ना एक कारपोरेट्स ना ये रिलेशन बने हुए थे, क्योंकि कारपोरेट्स नूं पता सी भी जिहड़ा काम जिदा मर्जी करवा लीए ये तो, जबकि जो कैंडीडेट सी इत्थे अडवानी सी PM दा, पर जदों BJP ने मतलब चंगे बड़े घराणियां कोल अप्रोच की तो उन्होंने कंडीशन रखी कि ठीक है असी टोटली खर्चा करांगे चोन ते खर्चा करांगे पर जिहड़ा कैंडीडेट है नरेंद्र मोदी होएगा, क्योंकि उन्होंने पता सी कि वह जिहड़ा हैगा साडे अंडर चलेगा। इसे दे अधीन 2014 दे विच एक दिन दे विच 18 न्यूज़ चैनल परचेज किए गए अंबानी ग्रुप वालों। सो वह सारिया चीज़ा ना एक प्लैनिंग नाल चलिया ने, बहुत बड़ा एक ना नैरेटिव सिरजिया गया हर एक जगह के उपर मन के चलो ग्राउंड एक ना जिहड़ा साडा मीडिया है भारत का मीडिया आप कहेंगे मैं कहूँगा भी साडा जिहड़ा जिथे इंसानियत का घाण हो रहा जां जो नुकसान हो रहे ने सब तो बड़ा जिम्मेवार मीडिया है, क्यों मीडिया का कम की हुंदा जो सच्चाई है उन्हें वो पेश करनी है लोगों के सामने, अगे लोगों की मर्जी है भी वो उपर उन्होंने की मतलब पक्ष लैना उन्हें नैगेटिव लैना उन्हें पॉजिटिव लैना, पर साडा मीडिया जिहड़ा अज रोल अदा कर रहा नैशनल मीडिया वो मन के चलो दोषियों नूं बचाउण लई कम करदा है, कितने भी होवे कोई मन जिदा रेप केस होंगे ने लास्ट रेप केस होया सी UP दे विच मीडिया वालों दोषियों एक बहुत
ਮੱਲੋ ਸਿਆਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਇਲੋ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਏ? देखो जी बदलाव ना एक साडे च ना साडी कौम है जिहड़ी इकट्ठी भी बहुत छेती हुंदी है, पर ना मैं साडे च कमी भी बहुत कमियां बहुत ने। सब तो बड़ी कमी की असीं ना बहुत छेती भुल जाने हैं। मन के चलो अज सानू देख गया भी जिहड़ा हैगा अडानी साडियां जमीनां ते भी कब्जा कर लूगा, साडियां मंडियां खत्म कर दूगा, अज असीं बहुत सूझवान होकर चल पे, पर हुण साडी कमी कित्थे आ? इह मसला ठंडा हो गया। 6 महीने बाद मन के चलो चाहे मैं किसी से क्यों गल, मैं अपने तो गल लैके करूँगा, जिमें मैं है ठीक है, मेरे को किसी कारपोरेटर ने आके अप्रोच की जे जिहड़ा हैगा तेरी जमीन ठेके ते लैना तू 50,000 नूं दिंदा, मैं तेनूं 80,000 दिंदा। मेरे वर्गे बंदे ने भी सोचना यार मेरे कल्ले नाल किहड़ा फर्क पैना दे पना। उदों शुरू हो गया एक दो करदे 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 जिहड़ा हैगा उन्हां ने काबज हो जाना ये उपर। उस करके जोड़ा अच्छे असी मन के चलो पिट दे कहूँगा, मैं तो असं पिट दे क्यों हाँ, क्योंकि साड़िया कमिया ने यह अज जे असी जो इतने भी बैठे हैं ना ये भी साढ़े राजनीतिक लीडर के कंडे बीजे हुए ने। मेरी गल सुनो हरिंदर जी, अगर ये कानून रद्द हो जाते हैं, मान लो ये जिदा तुसी कहा सी पहले साफ चिट्ठा हो जाता है ना दे विच कानून रह जाते हैं, जिदा ये हुण कॉम्प्रोमाइज़ की गल हो रही कि देखो जी तोमर जी ने कहा ताली तो दो हत्थां नाल हुंदी है ना, अगर ये बिना बिलों के कुछ यहोजी कॉम्प्रोमाइज़ हुंदी है तद भी इन्हों का कोई डैमेज हो सकता है? तद भी खेतीबाड़ी इस पूरी इंडस्ट्री तबाह कर सकते तुहाडे ख्याल च? बिल्कुल जी कर सकते ने, जे कानून मान लो कोरा कागज़ होकर कला नाम रह जाता फिर भी साडे लिए खतरनाक है। उद्देज की है भी मन के चलो भी अज एक कानून है ना जेड़े एक सानू समझना पऊगा, यह चीज़ एक मन के चलो भी कोई भी कानून है वह एक संविधानक तौर पर सिस्टम है कि इनू स्टेट बनाएगा इनू केंद्र बनाएगा। सो उन्होंने सब तो पहला संविधान का ही घाण करता, बीजेपी गौरमेंट संविधान चो ही बाहर निकल गई। उस तो बाद एक होर मैं तुहानू एक दसदा, UNO दे विच December 2018 के एक जिहड़ा हैगा पास होया सी मता, वह किसी भी कोई भी देखो भारत भी UNO का मैंबर है सो उहदियां गाइडलाइन फॉलो करना इहदी ड्यूटी बनती है। उत्थे की होया सी कि जिहड़ा कोई भी कानून जिहड़ा कि कंज्यूमर जां पब्लिक नाल डायरैक्टली अफेक्ट करता है उस कानून नूं पास करन तों पहलां कोई भी गौरमेंट है उहनूं जिहड़ा हैगा उहनां नाल डिस्कस करना पऊगा, जे उहनां दी सहमति है तां जिहड़ा हैगा कानून लागू होगा। सो इन्होंने तो डिस्कस का की करना सी, अज असीं इत्थे पिटदे फिर रहे हैं तो रद्द नहीं कर रहे हैं। तुहाडे ख्याल च इंडिया दे विच डेमोक्रेसी ते कोई धब्बा है या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है कि इदां दी बैक एंड फोर्थ चलती रहती है सरकार दे विच आप आले दुआले? नहीं जी बिल्कुल नहीं जी, BJP का जिहड़ा सिस्टम है डेमोक्रेसी तो इत्थे खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, लोकतंत्र का घाण हो चुके है। इत्थे की है जे ना कोई बंदा आवाज़ चकदा सच की आवाज़ चकद तो उन्होंने जां कुटिया जाता मारिया जाता नहीं जेलों च सुट दो, सीधा जिहा सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जे ये मन के चलो भी रीज़न की है साडे ना लोग अन्ने बोले हो चुके ने, मैं साफ शब्दों कहा। क्यों तुहानू लगता अन्ने बोले हो चुके? अपने आप वालों या सिस्टम विच कुछ इहो जी चीज़ सी जो उन्होंने इदा बनाता? सिस्टम ने बनाता उन्होंने जी, असी ना शुरू तो एक साडा ना दायरा बनाता भी असी उस तो बाहर सोच ही नहीं सकते, रोटी कपड़ा मकान सानू गलियां दिखातियां पक्कियां ठीक है जी, उन्हें गलियां तो असी की करवाना है जेड़ा सानू गल की है उत्थे लोगों नू लभाया जांदा असी कणक फ्री दिंदे आं असी आटा फ्री क्यों दे रहे हो, रोज़गार दो जेड़ा हैगा सिस्टम है रोज़गार दोगे अगला कमा के आप खाऊगा। सो उन्होंने ना एक सानू ना बड़ी एक छोटी सानू आपस च लड़ाता साडा भाईचारा खत्म करता पार्टियां पिछे जेड़ा हैगा मैं अकाली हाँ मैं BJP दें सानू उदों बाद हुंदा भी हाँ जिहड़ा हैगा मैनू प्रधान जी कहणगे मैनू सरपंच साहब कहणगे उह चीज़ां ने असी ना बहुत ज़्यादा एक मन के चलो फसा के रखते जिहदे करके कि साडी ना सोच उह तों उपर जा ही नहीं रही। पर इस चीज़ दे विच मैं कहूँगा भी जिहड़ा अंदोलन आ ना नरेंद्र मोदी दा बहुत धन्नवाद है जिहड़ा उन्हें एक साडा जिहड़ा भाईचारा सौं गया सी, क्योंकि ना साडी कौम च इक कमी है जिदा मैं पहला गल करके हटिया भी ये जे तो तुर पे फिर तो नहीं खड़ते पर इन्हों हलूणा देना पैंदा, अज जो हलूणा दिता गया ना सो वह भाईचारा कायम हो गया जिहड़ा हैगा लोगों के गल समझ आ गई। पर हुण इहदा फायदा कदों है जे असी ना इस सोच नूं जिहड़ी साडी सोच बदली है इहनूं अगे लैके चलांगे, जे हुण छंभू टप के फिर अकाली दल का जां कांग्रेस का पटा जिहड़ा गल च पा लैना
फिर कोई फायदा नहीं। हरिंदर सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसी साडे नाल जुड़ के इन्नी वधिया तरीके नाल इस गल ते होर चानन पाया। तुसी किथे ना जाओ टीकरी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं, गल हो रही है जो इत्थे मोर्चे दे विच अपना योगदान पा रहे हैं, अपनी सेवावां कर रहे हैं, तो किस तरह उन्हां नूं वख वख इत्थे एक्सपीरियंसिस हो रहे हैं, साडा एक्सपीरियंस तुहाडा एक्सपीरियंस बन रहा है, किथे ना जाओ। मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत है। तुहानू बीबिया नाल मिलाया सी पहले, वो बहुत वधिया गल कर रहे सी, कह रहे सी कि इस बिल्डिंग दे विच जो कि एक बस डिपो सीगा, अबैंडनड बस डिपो गवर्नमेंट का, उत्थे एक रैन बसेरा बनाया गया उन्होंने, उन्होंने सारी सहूलत दी गई है, उन्होंने इन्ना उन्होंने मन लग्या इतने कि उन्होंने जी नहीं करता कि वह लौट के जान, तो वह बिल्कुल डट के इतने मौजूद हैं। उन्होंने भी तुहानू होर गल दिखाते हैं कि किस तरह वह रह रहे हैं, बट पहले इस रैन बसेरे जो गल आती है मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि ये शुरुआत यदी किस तरह हुई। साडे अपने टीम के मैंबर डॉक्टर स्वयमान सिंह पखोखे, साडे मैडिकल कोरेस्पोंडेंट, उन्होंने इस चीज़ में शुरू किया। डॉक्टर स्वयमान, सब तो पहले तो आप इस बिल्डिंग दे विच की कर रहे, की इहदी हालात सी, कदों तुसी इहनू लै के ते की तुसी बना रहे हो इहदा? सो अश्मिता जी, थैंक यू सो मच, तुसी इत्थे आए। सो गल इदां होई आ, हुण 10 दिन हो गए आ, मेरे हाथ च एक बजुर्ग की डैथ हुई। वह हुई क्योंकि ठंड कारण, सारी रात शिवर कर रहा सी ठंड विच, ते उदों असीं सोचा कि सानू, क्योंकि इत्थे रहण बसेरे नहीं कोई हैगे सी, अभी यही सोचा कि सानू ऐसे कुछ करना पैना कि जिहड़ी बीमारी है जिहदे करके उहदी डैथ होई आ, वो जिहड़ी चीज़ है उहनूं जड़ तों मुकाउणा। सो उहदे करके असीं रहण बसेरे सोचा, पहला अगे कोई जगह ही उत्थों दा सोचा, मीह पै गया, फिर असीं सोचा क्यों ना अंदर जगह, इत्थे एक बिल्डिंग सी जिहदे पूरा काम होने वाला सी, क्योंकि लॉकडाउन अपना जिहड़ा होया उहदे करके सारा काम रुकिया सी, लोकां ने जिहड़ियां इत्थे तारां तूरां वह भी कढ लईआं सी, ते असीं फिर शुरू करता इहदा स्ट्रक्चर दा काम नाल रल के इत्थों दी टीम दे नाल, ते भावें वह बाथरूम नवें बनाए, टाइलां इतों की जी वैल्डिंग हुई आ, पेंट नवा कराया, बूहे नवें, सारा कुछ मतलब कि वो इसलिए कराया, तो किराया भी पक्का जिहड़ा मैप इतों का बने वो हिसाब न कि कल इतों अं चल भी जाइए। तो वड्डा भरा जे छोटे भरा दे घर आया ते ओ भी कहण कि भाई हाँ जिहड़ी चीज़ सानू चाहीदी सी तुसी दे गए। डॉक्टर साहब, ये की पिंड कैलीफोर्निया बने हुए इहदे बारे सानू दसो। सो कैलीफोर्निया जी अपने ना एक पंजाब दे पॉलिटिशियन आ, उन्होंने सुपना लिया सी कि मैं पंजाब नू कैलीफोर्निया बनाउणा, ते कितना कितने वो सुपना थोड़ा जिहा अधूरा रह गया, असीं वह पूरा कर रहे हैं कि क्योंकि इत्थे हर एक चीज़ होगी जिहड़ी कैलीफोर्निया तुसी पाई जांदी आ, कि हर एक इंसान नू बेसिक हैल्थ केयर मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, मतलब कि साडा इत्थे सिक्खी दा स्कूल होगा, बाबा जी सेवा सिंह जी खडूर साहब वालिया ने शुरू किया, वह कल तुम इतने क्लासा लगनगियाँ साहबजाद तो उपर बंदा सिंह बहादुर हर एक चीज़ के उपर इतने क्लासा लगनगियाँ, ना साडा स्पोर्ट्स का इतने बहुत वधिया, क्रिकेट तो लैके बैडमिंटन सॉकर हर एक चीज़ नाल, कबड्डी कप भी कराया जाएगा वो अपने करतार सिंह जी पहलवान के नाल रल के। मैं चाहूँगी कि आप एक सैकेंड वेखिए कि ये जो कमरे से बिल्कुल खाली सी, हुण तुसीं वेख सकते हो मैट्रेसिस ते कंबलों की इतने सेवा हुई है, ये सारे डोनेशनस तुहानू दित्तियां गईयां, तो किन्नी गिनती विच ये तुहानू दित्तियां गईयां, तो किन्नी आपां लोकां दा इत्थे हुण इंतजाम बनिया? सो इंतजाम ये 4000 बीबियां दा सी, ते ये सानू डोनेशन कोई बाहरों नहीं, अं किसी तो पैसा नहीं लेंदे, असीं उहदे खिलाफ आ, जिहड़े साडे यार बेली आ कुछ डॉक्टर आ, हुण मैं नाम लै दिंदा एक जिहदा रौनक दा गुरद्वारा साहब आ, उत्थों रुपिंदर वीर ने अपने सारे नाल गलबात करके सानू इत्थे कंबल ते मैट्रसां दवाईयां, फिर संग्राम विरक डनलक वर्जीनिया के जिहड़े गुरद्वारा साहब आ उन्होंने इदां ही नाल कीता। सो साडे पहले दिन तो कहना है कि जिन्हें भी गुरद्वारा साहब आ इकट्ठे हो के इंडिविजुअल की थान पर इकट्ठे होकर काम करन, ते जिहड़ियां लोड़ां वा उन्हां नूं पूरियां करन, ते साडियां लोड़ां उही आ कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुंदी, तो कोई भी मैट्रस तुसीं वापस नहीं लैके जा सकते, इत्थे सवेरे चैक इन हुंदा ते अगले दिन चैकआउट हो जाता, बंदा वापस जा सकता, जो ट्रालियां तो तुसीं वेख्या इत्थे बहुत ज़्यादा मिसयूज होया चीज़ों का, लोग पिंडां नूं वापस लै गए, असीं उही बेसिक चीज़ां रखियां, कुछ खास नहीं रखिया, पर हर एक चीज़ बेसिक आ, भावें वह जो लाइट चल जाए वो हाँ क्रिकेट का बैट तो लैके साडे बैट आ पूरा, मतलब हर एक स्पोर्ट्स का, नाइट लाइटा जो बिजली रात को चल जाए वह भी प्रबंध आ, नाल साडे फायर हाइड्रेंट आ, सो ये भी जे कभी अग लग जाए, मतलब हर एक चीज़ साडे अही लैके आते हैं, आ फिकरे होन की टीम आ, इन्होंने भी साडी पूरी सपोर्ट पहले दिन तो सानू पुछ लेंदे आ, वीर संधु अपने वीर जी एडवोकेट आ सुप्रीम कोर्ट, इदां ही बड़े वीर नाल लगे आ, सानू सवेरे पुछ जांदे तुहानू कि लोड़ आ, रात तक साडे को हुंदी आ, अगेन पैसा असीं कहिंदे आ सानू चाहीदा नहीं, बस सानू तुहाडी सपोर्ट चाहीदी आ, जिहड़ी सानू 100% फुल सपोर्ट मिल रही आ, वीर हुणी खडूर साहब तो आए आ, बाबा जी सेवा सिंह जी हुणां दी टीम आ, सो इदां साडे नाल बहुत ज्यादा लोग जुड़े आ जिहड़े साडी हैल्प कर रहे आ जी, ते
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰੇ ਹੋਣ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਰਹੇ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਗਰੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਈਕ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਬਣੂਗਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਟੋਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਓਵਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਪੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੰਗੈਸਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ
पर सही चाहते हैं अं इन एक्सपेंड करके 200-300 अच्छे साढ़िया भैन भी हैं वॉलंटियर्स सो नॉट जस्ट मेल्स फीमेल वॉलंटियर्स भी अगे आ रहे हैं भावें डॉक्टरी वालों आ जा साड़ी इतने रहन बसेरे की टेक केयर करन साड़ी बुजुर्गां मावां धीआं लैके तुसीं इत्थे रहन सहन का इंतजाम किया भावें तुसीं इत्थे आए सी मैडिकल सहूलत प्रोवाइड करन लई मैं चाहती हूँ माड़ा तुसीं सानूं दिखा दो किस तरह का उन्हां दा रहन दा इत्थे इंतजाम होया है आपां पहले भी उन्हां दे नाल गल कीती इन्ना वधिया उन्हां नूं इत्थे लग्गिया कि उह सानूं कह रहे सी साडा तां मुड़ के पिंड जाण नूं जी ही नहीं करदा इत्थे ही पिंड आपां वसा लिया ते किस तरह का इंतजाम तुसीं कर रहे हो ते होर की करना आपां इन्हां लई सो इह मावां जिहड़ियां ना ये जो मैं कहाँ कि मेरिया मावं मेरी माँ तो क्यों फर्क है सो जो मैं अपनी माँ को देना चाहवा अं दिन रात एक करांगे कि जो इन्हों मावं को चाहिए क्योंकि मेरी मावं वा है ना अपना सब कुछ छड़ के आई है वो देने की कोशिश करांगे बाकी इन्हों का यो राणिया वा ये जेडे किसान आ अं जे किसान आं राजे तो राणिया वा राणियों यहोजी जगह चाहिए आ ये सड़कों पर नहीं चाहिए जे मेरी माँ मैं अपनी माँ को सड़क पर नहीं वेख सकता ना मैं अपन बीबिया वेख सकता सो साडे वीरों वालों जो भी कोशिश आ अगेन मैं कहना असं किसी तो पैसा नहीं लेंदे आज जो भी समान है साडे वीरां ने आप आके इत्थे जिहड़े सवेरे लै जांदे रात नूं दे जांदे आ सो उन्हां वल्लों साडियां मावां नूं आ जिन्हां नूं असीं राणियां कहिंदे आ सो जिहड़े मेरे वीर शो वेखदे होण उन्हां नूं इहो ही आ साडे बंदे मंगते ना बनाओ अं मंगते नहीं आ जो तुसीं देना इत्थे दे दो ये नहीं कि एक बोतल वंड के वीडियो बना लो जां चार टेंट ला के वीडियो उपर थले करके बाहर पैसे इकट्ठे करो एक चीज़ा तो गुरेज करो जे तुसीं वाकई कोई काम करना एडा टीमां बनाओ गुरुद्वारे साहब अपने अमरीका कनेडा बरियां थावां ते इकट्ठे हो के रहन बसेरिया की इस वे शुरुआत करिए वे लैवल से करिए क्योंकि अगेन मैं कहना साड़िया मावं राणिया वा उन्होंने राणिया वगू रखना तो डॉक्टर साहब तुम क्लोजिंग लोगों दसना चाहते हो इस रैन बसेरे बारे बिकॉज काफ़ी यू नो डिफरेंट चीज़ा सुनने मिल रही है बट ये इनिशिएटिव शुरुआत तो वेखिया आप इस चैनल पर भी वेखिया किस तरह बिल्कुल खाली जगह सी तो हूँ की बन गया है तो की बन जा रहा है दो शब्द वो बारे फिर क्लोजिंग करते आप ये साडा पिंड है जी पिंड कैलीफोर्निया मेरे वीर भैन ने बनाया वा इतने एक भी बंदे का एक नाम नहीं सारे ने रल मिल के साडा ये मेहनत आडे चैनल का असी बै बहुत थैंक यू जे मीडिया साढ़े को उन्होंने बहुत थैंक यू मैं एक होर गल करता इतने एक मीडिया रूम होगा जितने वाईफाई प्रोवाइडेड होगा आउटलेट होगा फॉर स्पेसिफिकली मीडिया मीडिया के लोगों लिए वो इतने आगे रैसट कर सकते रह सकते तो अगे मैं इन्नी हाथ बेड़ के बेनती यही करदा जे साडे कोई गलतियां हो गई हो जाए सानू छोटे भरा समझ के वो सानू उस वेले दस दो असी वो भी दूर करने की कोशिश करांगे बाकी ऑर्गेनाइजेशनां अमरीका च बैठे वीरां नू इहो ही बेनती आ असी हिंदुस्तानी आ सही सानू जिहड़े आ मीडिया इंडियन मीडिया सानू खालिस्तानियां दा बहुत गलत आ असी हिंदुस्तानी आ इंडियन ही रहना साडे वड्डे वड्डे रहने देशां देश लई जानां दित्तियां वा बाकी क्लोजिंग कुछ नहीं मेरे वीर छड्ड दो जकारा जी सतगुरु रखे बिरत बने दिला चितो गुप्त शिदो सिंह सरबत गुरु खालसे सिंह साहेब को सत श्री अकाल देख देख फतेह हर मदने फतेह धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे मन नू भावे